नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सगरा सड़क मार्ग पर हुए भीषण हादसे के बाद 3 लोग की मौत हो गई थी, जिसके बाद हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम रखा। मध्य प्रदेश के रीवा सिरमौर रोड पर सगरा थाना अंतर्गत सगरा टावर के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बोलेरो व बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे के शिकार लोवा लक्ष्मणपुर निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु के बाद परिजनों ने बोलेरो चालक स्थानीय निवासी गोलू पांडे पर हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करने व तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए आज पूरा दिन रीवा सिरमौर रोड को जाम रखा। तनाव की स्थिति बनते देख भारी पुलिस बल लोवा लक्ष्मणपुर में तैनात रहा। मृतक की पत्नी ने बोलेरो चालक के अतिरिक्त अन्य 2 लोगों पर भी शंका व्यक्त करते हुए हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर फांसी की मांग की। परिजनों की मांग पर पुलिस प्रशासन ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस अधिकारियों की कई घंटों की जद्दोजहद व समझाने के बाद 5 बजे परिजनों ने शव को दाह संस्कार करने के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। हाँ, ये कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें 3 व्यक्तियों की मतलब हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पीएम में थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण से लोगों में आक्रोश था, इस कारण से लोगों ने जाम लगा दिया था यहाँ सगरा थाने के पास में। उस जाम समझाइश दे दी गई है, समझाइश देने के बाद उन्होंने जाम हटा लिया है। बॉडी की दाह संस्कार के लिए ले गए हैं अभी, बाकी स्थिति शांतिपूर्ण। 15 मिनट बाद पहुंचने के बाद हमने कॉल किया, उन्होंने बोला कि हम घर पहुंच के बात करते हैं। इतने में उनका एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप के पापा और कुलदीप के साथ गए थे और उन लोगों ने मिलके जानबूझकर बोलेरो से टक्कर मार दी। हमको इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा जा रहा है एक रोड में जाम लगा रखे हैं लोगों ने, क्या इनकी मांगे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, फांसी दे, और जो पहले भी है उनको भी फांसी चाहिए। शत्रुघ्न सिंह को तो खास कर फांसी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। माधव चौक के कारण सब कुछ हुआ है। आज मेरे घर के 6 लोग गए हैं, सब उसी के कारण गए हैं। बताया जा रहा कि आरोपी पहले भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, पहले भी मामला दर्ज है इनके खिलाफ। छोटू मारे और उसका लड़का दोनों आरोपी है और मारने की जान से मारने की धमकी देते थे, अक्सर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पहले भी गांव वालों को कई बार धमकी दे चुके। जी हाँ, श्याम सिंह इसमें मिला हुआ है, श्याम सिंह को मिला हुआ है। श्याम सिंह कौन है? शत्रुघ्न सिंह का समधी है, वो तो हमारे बड़े जेठ को वही मारा है, उसी के घर में निमंत्रण करवा के मारा गया है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।